अस्सलाम वालेकुम। अक्सर फीमेल क्वेश्चन करती हैं कि फेस के अनवांटेड हेयर्स की ग्रोथ को कैसे रोका जाए, तो इस ग्रोथ को रोकने के लिए एक क्रीम अक्सर प्रिस्क्राइब की जाती है जिसे हम ये डेपलस क्रीम कहते हैं। डेपलस क्रीम एक मेडिकेटेड क्रीम है। अक्सर फीमेल इसको फेशियल हेयर ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। बहुत सी फीमेल में अनवांटेड फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है, तो उन हेयर ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए यह क्रीम यूज़ की जाती है, या इसको अक्सर लेज़र ट्रीटमेंट के बाद भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। जब आप लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसके बाद फेशियल अनवांटेड हेयर्स को ख़त्म करने के लिए ये क्रीम यूज़ की जाती है। बहुत सी फीमेल में अनवांटेड फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है, जिसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, जैसा कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या जिनमें पीरियड्स प्रॉब्लम होती हैं उनमें ज़्यादातर फेस पर हेयर ग्रोथ हो जाती है। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसे हम बीकोसिस कहते हैं, या और किसी भी वजूहत की बना पर हेयर ग्रोथ हो जाती है फेस पर। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने ये क्रीम इस्तेमाल करनी है, आपका मसला हल हो जाएगा। क्योंकि ये डेपलस क्रीम के अंदर एक ई फ्लोरोनिथिन होता है। ई फ्लोरोनिथिन का काम ये है कि जो एंजाइम बॉडी के अंदर हेयर्स की ग्रोथ करवा रहा होता है, जिसे हम ऑर्निथिन डी कार्बोऑक्सीलेज भी कहते हैं, इसकी एक्टिविटी को रोक देता है। जहर सी बात है कि हम फोलिकल की ग्रोथ को रोक रहे हैं तो हेयर ग्रोथ की सप्रेस ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। अब इसका काम यह है कि आपने ये इस्तेमाल कैसे करनी है। आप ये दिन में दो मर्तबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में या रात को सोने से पहले भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या इसके बाद आप इसको थ्रेडिंग के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्रेडिंग के बाद आप कोई भी टोनर यूज़ करके या कोई गुलाब का अरक यूज़ करके उसके बाद आप चेहरे पर ये अप्लाई कर सकते हैं। चेहरे पर आपने उस जगह अप्लाई करनी है जहाँ पर आपको अनवांटेड हेयर ग्रोथ है, तो आपका मसला हल हो जाएगा। मज़ीद कोई भी मसला हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।